पूर्वी दिल्ली के यमुना खादर में एक के बाद एक करीब 15 सिलेंडर ब्लास्ट हुआ है। बताया जा रहा है कि खाना बनाने के दौरान सिलेंडर लीक होने की वजह से आग लगी। आग लगने के बाद आसपास की झुग्गी आग की चपेट में आ गई। वहीं स्थानीय लोगों ने बताया है कि आग इतनी भयानक थी कि बगल की झुग्गी भी उसकी चपेट में आ गई। सिलेंडर जब ब्लास्ट हुआ और काफी दूर जाकर गिर पड़ा। फायर अधिकारी यशवंत सिंह मीना ने बताया है कि आज सुबह करीब 10:40 पर सूचना मिली कि यमुना खादर की झुग्गी में आग लगी है। तुरंत मौके पर 8 दमकल की गाड़ियों को भेजा गया। करीब 1 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। अधिकारी ने बताया है कि आग लगने का कारण खाना बनाते समय गैस सिलेंडर लीक होना बताया जा रहा है। फिलहाल जांच के बाद ही पता चल पाएगा कि आग किस कारण से लगी है। लाखों का सामान, मोटरसाइकिल और अन्य सामान जलकर खाक हो गए हैं। मैं एडीओ यशवंत सिंह मीणा, दिल्ली फायर सर्विस। सर, क्या कॉल थी, कितने बजे कॉल थी? ये 10:40 पर कॉल मिली कि यमुना के अंदर बनी हुई झुग्गियों में कॉल है। तुरंत हमने झुग्गियों के हिसाब से देखकर खतरे को भापते हुए 8 गाड़ियों को टर्न आउट किया। तुरंत हम आए यहाँ पे, रास्ते में थोड़ा अवरुद्ध हुआ, वैसे जल्दी करा। वैसे यहाँ LPG सिलेंडरों का ब्लास्ट काफ़ी हुआ है, 14-15 सिलेंडर करीब फट चुके हैं। कोई जान माल का नहीं? कोई जान का कोई खतरा नुकसान नहीं हुआ है। माल तो झुग्गी में जो भी होता है सभी का हुआ ही है, सारी झुग्गी जल के खत्म। सर, क्या बताया जाए, कैसे आग लगी, कुछ बारे में? अब ये तो इन्वेस्टेशन या कोई शॉर्ट साइड या हीट है या कोई गैस लीकेज वगैरह या कुछ ना कुछ तो हुआ ही है। सर्किट वगैरह में आपका? मेरा नाम चौधरी सर। क्या हुआ था, कितने बजे? सर, हम बोटिंग डालने गए थे, पता नहीं सर जी गैस फटा क्या फटा। हम लोग तो बोटिंग डाल के भी आए थे सर जी। अब 5-7 लोग का नुकसान तगड़ा हुआ यहाँ पे और हमारा तो जली गया, हम लोग तो कुछ बचा भी नहीं था सर। सबका ही यहाँ पे बहुत सारे इलेक्ट्रिक सामान भी बताया क्या? नहीं, कुछ नहीं, सिलेंडर ही से बता रहे लगा सर जी बस। नहीं, इसके अंदर और कुछ भी सामान थे? सामान तो पूरा जले, किसी नहीं बचेगा। बैटरी था, सूर्य प्लेट था, लाइट था, पैसे वैसे, राशन कार्ड सब बच, सब आईडी प्रूफ जल गए। कुछ मोटरसाइकिल भी थे? हाँ, सब जले थे सर जी, सबकी जला सबका। नाम है आपका? ओम प्रकाश। क्या हुआ था, कितने बजे हादसा है? 1 घंटा पहले सिलेंडर लीक हो गया सर, बच्चे खाना बना रहे थे पड़ोसी वाले घर में और चल गया सब, कुछ नहीं कर पाए। कितने झुग्गी थे इसके अंदर? सर, 7 फैमिली के हमारे थे, 2-3 पड़ोसी भी चले गए थे। तो अभी 10 फैमिली का कोई किसी का बच्चे बच्चे नहीं चले सर, सारे पैसा चल गया। टॉप स्टोरी ब्यूरो के लिए दिल्ली से रवि डालमिया की रिपोर्ट।